કેમ ખાતે ફિટનેસ ગેરેજમાં યુનાઇટેડ ભારતનું ઓડિશન રાખવામાં આવ્યું હતું. અમીરા ઇવેન્ટ દ્વારા આયોજિત યુનાઇટેડ ભારત ઓડિશનમાં મિસ્ટર એન્ડ મિસ અને મિસિસ કેટેગરીનું ઓડિશન રાખવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં માંગરોળ તાલુકા પંચાયતના સભ્ય સાકીરભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહી સ્પર્ધકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. जिम में लिया है. यहाँ की जो टीम थी बहुत सपोर्टिव थी, प्लस यहाँ के जो कंटेस्टेंट्स जो हमको किम से मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे और आगे बढ़ने वाले कंटेस्टेंट्स हमको मिले हैं. उम्मीद रहेगी कि जो आगे हम सूरत, वडोदरा, लखनऊ ये सब जगह पे जो हम ऑडिशन लेने के लिए ऑल ओवर इंडिया जो जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से सपोर्ट मिले और इसी तरीके से हमारे कंटेस्टेंट्स हमको मिले. अच्छा, 105? हाँ, 105 से 85. मेरे अंदर थोड़े मेडिकल इश्यूज थे जो मतलब अस्थमाइल ऑल मतलब उस वजह से वो एक एज में आ जाते हैं मेरे अंदर. हाँ, सारे मैं वो बारे में भी बताता हूँ. वो 85 तक नहीं लेके आया है. हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ पे जो जजेस थे, ज्यूरीज थे, वो बहुत अच्छे थे. उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हम चाहेंगे कि अभिरा इवेंट्स और ऑडिशंस करें हमारे खिम में आके. जो हमारे जैसे छोटी छोटी सिटीज से जो बाहर ये लोग लेके जाते हैं वो हमें इनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा लगा और हमारा आज का एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जजेस हैं उनका जो गाइडलाइन था, तो कभी मैं पहली बार आज ऑडिशन दिया हूँ तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्योंकि आते ही वो लोगों ने ऐसा समझाया कि मुझे कुछ कन्फ्यूज़न रहा नहीं और उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं मेरा बेस्ट ले सका. तो मैं जो जजेस है वो लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा. और ये ऐसा होता रहे तो जो छोटी छोटी जगहों पर जो टैलेंट छुपा है तो ये ऐसे करने से टैलेंट बाहर आएगा और ये चलता रहना चाहिए. तो इसकी वजह से मैं करण भाई या हमारे सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. आज किमना ऑडिशन की अंदर मैंने बहुत घणु बधुं जाणवानुं मळ्युं. एना जजना जजना जे बधा सपोर्ट हतो एना लीधे मारी उमर होवा छतां भी हूँ 55 वर्षनी उमरे पण हूँ आ कॉन्फिडन्सथी आज आ स्टेज पर हूँ चाली शकी छूँ. तो ये हूँ जजने आभारी छूँ અને મને અહીંયા ખૂબ જ સપોર્ટ મળ્યો છે અને મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું કે હું આ ઓડિશનમાં આગળ વધું અને ઓર આગળ વધી શકીશ. જય હિન્દ, જય ભારત. પહેલે તો મેં થેન્કફુલ યુનાઇટેડ ભારત કે યહાં પે યે એવોર્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટી હમકો મિલી હૈ. સે મેં જજીસને એન્કરેજ કિયા તો મેં ભી યહી ચાહુંગી કે મેં ભી આગે બઢું ઓર ઓપોર્ચ્યુનિટી મુઝે ભી મિલી. થેન્ક યુ. અમને એવું ઘણું સારું લાગ્યું ભાગ લીધા પછી, સારો એવો કોન્ફિડન્સ મળી ગયો એન્ડ આશા છે કે અમે આગળ સિલેક્ટ થયા એન્ડ આગળ વધ્યું. હેલો કી, નમસ્તે. અમે ફિટનેસ ગેરેજના ઓનર. આજે અમારા જીમમાં યુનાઇટેડ ભારતનું ઓડિશન થયું છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મિસ્ટર, મિસ અને મિસિસોએ ઓડિશન આપ્યું છે અને ખૂબ સક્સેસફુલી બધાએ બહુ સારી રીતે ઓડિશન આપ્યું છે. આઈ હોપ અમે લોકો બીજી વખત જ્યારે ઓડિશન કરીએ ત્યારે તમે લોકો બહુ મોટી સંખ્યામાં ઓડિશન કરો અને ભાગ લો એવી ઉમેદ રાખીએ છીએ.